जय विजय एवरीवन। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते दीपम ज्योति नमोस्तुते दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा करता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप यानी दीपक की रोशनी को मैं नमन करता हूँ। Morning everyone, I Jalpati Murari, your EBS teacher, and today we are going to learn chapter number 3, plants, a source of food. हमारे food का source कौन सा है? Plants. हमें सारी चीज़ें plants में से मिलती है, फिर हम खाने की कोई भी चीज़ ले लो या animals में से भी मिल सकती है, but normally हमें हमारे खाने की सारी चीज़ें किस में से मिलती है? Plants में से। तो आज हमें यही चैप्टर पढ़ना है। सो टेक आउट योर लर्न वेल एंड पेज नंबर 92। बट बिफोर वी स्टार्ट अवर चैप्टर वी हैव टू लर्न सम हार्ड वर्ड्स और यू कैन से न्यू वर्ड्स ऑल्सो। सो चैप्टर 3 के न्यू वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज अ पल्सिस, PULSES, पल्सिस। पल्सिस का मतलब क्या होता है वो अंदर आपको चैप्टर में मैंने अच्छे से समझाया है, अभी आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, पल्सिस। देन आफ्टर ग्रीन्स, GRAINS, ग्रीन्स। ग्रीन्स का मतलब होता है अनाज। देन आफ्टर स्पाइसिस, SPICES, स्पाइसिस। स्पाइसिस बहुत सारे हमारे घर पे होते हैं, लाइक मिर्च पाउडर है, फिर हल्दी पाउडर है, वो सब किस में कंसिडर होता है? एज अ स्पाइसिस, मसाले। देन आफ्टर कॉफ़ी, COFFEE, यू ऑलरेडी नो अबाउट कॉफ़ी। देन आफ्टर ब्रोकली, BROCCOLI, ब्रोकोली, वन काइंड ऑफ वेजिटेबल। देन आफ्टर बीटरूट, BETROOT, बीटरूट, बीट, ये भी वन काइंड ऑफ वेजिटेबल ही है। देन आफ्टर कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWER, कॉलीफ्लावर। आपको पता है कॉलीफ्लावर को कॉलीफ्लावर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका शेप कैसा होता है? फ्लावर जैसा। देन आफ्टर सीरियल्स, CEREALS, सीरियल्स, ये भी आपको याद रखना है। टू टाइप्स के आपको अंदर टू टाइप्स मिलेंगे, पल्सिस एंड सीरियल्स, और उसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी आपको सिर्फ इसका स्पेलिंग और इसका नाम याद रखना है, सीरियल्स। देन आफ्टर मेज, MAIZE, मेज है वो कॉर्न का दूसरा नाम है। मेज का मतलब क्या होता है? मकई। देन आफ्टर ग्राम, GRAM, ग्राम मतलब कि चना। देन आफ्टर पीस, PEAS, पीस, वो तो सबको पता ही है जिसको हम गुजराती में कहते हैं वटाणा। देन आफ्टर किडनी बीन्स, KIDNEY BEANS, किडनी बीन्स। किडनी बीन्स का मतलब होता है कि राजमा, जो मेरे सबसे फेवरेट वाले हैं।
देन आफ्टर अरहर, ई आर एच ए आर, अरहर वन काइंड ऑफ लेंटिल्स ही है, एक टाइप की दाल है जिसको हम कहते हैं अरहर दाल। फिर नेक्स्ट आफ्टर इज अ शुगर कैन, एस यू जी ए आर सी ए एन ई, शुगर कैन। शुगर कैन का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसमें से हमें क्या मिलता है, शुगर मिलती। एंड लास्ट वन इज अ स्पिनच, एस पी आई एन ए सी एच, स्पिनच। स्पिनच मतलब कि ऐसी सब्जी, ऐसा वेजिटेबल जो लीव्स वाला होता है। डन, नाउ हियर इज अवर थर्ड वन चैप्टर, प्लांट्स अ सोर्स ऑफ फूड। इसमें मेन टॉपिक कौन से है, एक तो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सीरियल्स एंड पल्सिस, टी कॉफी एंड शुगर। प्लांट्स अ सोर्स ऑफ फूड मतलब कि जिसमें से हमें सारा फूड हमारा मिल जाता है प्लांट्स में से, इसलिए प्लांट्स को क्या कहते हैं, अ सोर्स ऑफ फूड, हमने हमें सारी खाने की चीज़ें देने वाला सोर्स वो कौन सा होगा, प्लांट्स। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी है जो हमें प्लांट्स में से मिलती है। चैप्टर में हमें वही पढ़ना है कि प्लांट्स में से हमें हमारे लिए खाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। All animals and human beings need food to grow. सारे human beings और animals है मतलब कि इंसान और सारे animals है, सबको क्या चाहिए, food चाहिए, खाना तो चाहिए grow होने के लिए, बढ़ने के लिए। And remain healthy, और healthy बने रहने के लिए, healthy बने रहने के लिए और grow करने के लिए सबको खाने की ज़रूरत है। We get फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, हमें डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, लाइक रूट्स होता है, स्टेम्स होता है, लीव्स होता है, फ्रूट्स होते हैं, वैसे हर एक पार्ट्स के हिसाब से हमें क्या मिलता है, उसमें से कुछ ना कुछ फूड मिलता है। तो इस चैप्टर में हमें वही पढ़ना है। प्लांट्स गिव अस वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, प्लांट्स है वो हमें वेरियस टाइप मतलब अलग अलग टाइप्स के फूड देता है, खाने की चीज़ें देता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पल्सीज एंड ग्रेन्स कम फ्रॉम प्लांट्स। ये सारी चीज़ें किस में से मिलती है हमें, प्लांट्स में से मिलती है। वी ऑल्सो गेट स्पाइसीज, हम दूसरा क्या मिलता है प्लांट्स में से, स्पाइसीज मसाले, शुगर हमें पता ही है, चीनी, टी कॉफ़ी एंड ऑयल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल, जैसे कि हम घर पे पीनट ऑयल खाते हैं, दूसरे लोग होते हैं वो दूसरे टाइप्स का ऑयल खाते हैं, तो ये सारे ऑयल्स वो सब कुछ हमें किस में से मिलता है, प्लांट्स में से। तो हमारे फर्स्ट वन टॉपिक है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है, लाइक कि देखो यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं कि प्लांट्स हमें क्या देता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, प्लांट्स गिव अस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स की एग्जांपल है, बट वो हमें कैसे मिलेंगे, कैसे कैसे टाइप्स के वेजिटेबल होते हैं और एज अ रूट्स मिलते हैं, एज अ लीव्स मिलते हैं, या फिर एज अ स्टेम फ्लावर्स फ्रूट कैसे मिलते हैं, हमें वो पता करना है। सो वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, हम हैं वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं, लाइक कहीं पे प्लांट्स खाते हैं, सॉरी कहीं पे रूट्स खाते हैं लाइक रूट्स, कहीं पे लाइक स्टेम, कहीं पे लाइक लीव्स एंड कहीं पे लाइक फ्लावर्स, एज अ वेजिटेबल्स, एज अ वेजिटेबल हम ये सब कुछ खाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है रूट्स, रूट्स कौन से टाइप का पार्ट का, सॉरी प्लांट्स का पार्ट है, तो रूट्स में जो जो भी ग्रो होता है वो अंडरग्राउंड ही रहता है, बट ऊपर जो उसके लीव्स होते हैं वो ऊपर रहते हैं। उसके हमारे पास इसके टू एग्जांपल है जो आपको बुक में भी दिए, एक कैरेट, देखो ये कैरेट, कैरेट कैसे ग्रो होगा, ऐसा ग्रो होगा, रहेगा
ऐसे ग्रो होता है, सॉरी, वो कहाँ पर रहता है, नीचे रहता है और ऊपर यहाँ पे उसके लीव्स होते हैं, वो लीव्स हमें बाहर दिखते हैं। एंड दिस वन ऑल्सो बीट रूट, जिसको हम कहते हैं बीट, आप सबको पता है ये गाजर है, ये बीट है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, रूट्स के, ये एज रूट्स ग्रो होता है वेजिटेबल्स में। ओके, रूट्स का मतलब आप सबको पता ही है, तो ये एज रूट्स ग्रो होगा। फिर नेक्स्ट वन इज लीव्स, जो पत्ते जैसा होता है, दिस वन, ये आपको पत्ते जैसा दिख रहा है लीव्स। अभी इसमें दूसरा एग्जाम्पल लिया है स्पिनच, बट आई डोंट हैव अ स्पिनच, सॉरी, मेरे पास अभी घर पे स्पिनच अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल दिखाया है, एज अ लीव्स ये ग्रो होता है, और इसका नाम क्या है, कैबेज। तो एज अ लीव्स हमें वेजिटेबल्स में क्या मिलेगा, कैबेज मिलेगा। फिर देन आफ्टर नेक्स्ट वन है एज अ स्टेम, तो उसके लिए हमारे पास टू एग्जाम्पल है, दिस वन इज अ जिंजर एंड दिस वन इज पोटेटो। यस, पोटेटो की सब्जी ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट होती है, तो ये पोटेटो एंड जिंजर, ये दोनों एज स्टेम्स ग्रो होते हैं। स्टेम्स ग्रो होना मतलब कि वो ज़मीन के अंदर भी नहीं होते हैं, और जो बीच वाला पोर्शन होता है ना ट्री का, जो बीच वाला पोर्शन, उसको हम स्टेम कहते हैं, वहाँ पे ये दोनों ग्रो होते हैं। एंड लास्ट, सॉरी, नेक्स्ट वन इज अ फ्लावर, तो फ्लावर्स में जो ऊपर से आपको एज फ्लावर जैसे शेप में दिखते हैं, वैसे वाले वेजिटेबल्स, उसके एग्जांपल में क्या आएगा, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर है, वो दोनों एज अ फ्लावर्स के एग्जाम्पल है। एंड लास्ट वन इज एज अ फ्रूट कौन ग्रो होता है, तो एज अ फ्रूट कौन ग्रो होगा, एक तो है ब्रिंजल एंड सेकंड वन इज टोमेटो। ब्रिंजल को एज अ फ्रूट कंसिडर करते हैं, पर हम लोग इसकी सब्जी बना के खाते हैं, हम इसको एज अ वेजिटेबल कंसिडर करते हैं। और दिस वन इज अ टोमेटो, इसको तो हम एज अ फ्रूट भी खा सकते हैं और वेजिटेबल्स के हिसाब से भी खा सकते हैं। डन। तो अब आपको ऐसा मतलब होगा कि ये है रूट, एज अ रूट ग्रो होता है, एंड दिस वन इज एज अ स्टेम्स ग्रो होता है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कि ये जो है जिंजर वो एज अ स्टेम्स ग्रो होगा, बट इसमें ऊपर आपको लीव्स नहीं दिखेंगे, नो, उसके प्लांट्स के लीव्स नहीं होते, बट ये जो एज अ रूट्स ग्रो होता है ना, उसके सारे प्लांट्स होते हैं, उसमें आपको ऊपर लीव्स दिखेंगे, इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम हिसाब से ग्रो होते हैं, ये भी अंडरग्राउंड ऐसे ग्रो होगा और ये भी अंडरग्राउंड ही ग्रो होगा, बट जो ये है जिंजर एंड पोटैटो, उसमें ऊपर सबको लीव्स नहीं दिखते हैं, बट ये जो है कैरेट एंड बीट रूट, उन दोनों में आपको ऊपर लीव्स दिखते हैं। तो अभी हमारे पास कौन कौन से वेजिटेबल्स हो गए, एज अ रूट्स हमारे पास है दिस वन बीट रूट एंड कैरेट। ओके, सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ वेजिटेबल्स एज अ रूट्स। फिर नेक्स्ट वन इज अ लीव्स, एज अ लीव्स जिसके पत्ते होते हैं, तो उसका एग्जांपल कौन सा हो गया, कैबेज एंड स्पिनच। स्पिनच हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट कैबेज है। फिर एज अ स्टेम्स, उसमें क्या होगा, जिंजर एंड पोटैटो, दिस टू आर एग्जांपल ऑफ वेजिटेबल्स एज अ स्टेम्स। एंड देन आफ्टर फ्लावर्स, जो ऊपर से हमें कैसे दिखते हो, फ्लावर्स जैसे दिखते हो, वैसे वेजिटेबल्स, उसमें टू एग्जांपल है ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर। एंड लास्ट वन दिस टू एज अ फ्रूट, हमें क्या मिलता है एज अ वेजिटेबल में एज अ फ्रूट, दिस वन इज अ टोमेटो एंड ब्रिंजल। देन नाउ प्लांट्स हमें और क्या देता है, यस, हमारा फेवरेट वन पार्ट इज अ फ्रूट,
प्लांट्स हमें फ्रूट भी देता है। तो फ्रूट कैसे होते हैं? द जूसी एंड फ्लैशी। जूसी मतलब कि ऑरेंज है, इसको हम इसका जूस निकाल सकते हैं, तो ये कैसा फ्रूट है? जूसी। फिर एप्पल है, उसको हम एप्पल को क्या करते हैं, हम उसको अच्छे से काट के खाते हैं, तो उसका जो अंदर का पार्ट होता है वो फ्लैशी होता है, उसको हम आराम से खा सकते हैं, तो वो फ्लैशी पार्ट है। सो द जूसी एंड फ्लैशी पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फ्रूट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट होते हैं एंड वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसको एज अ फ्रूट खाते हैं, और जिसके फ्रूट हम खाते हैं लाइक एप्पल ट्री होगा तो उसके एप्पल हम खाते हैं, फिर दिस वन इज अ पोमोग्रेनेट तो पोमोग्रेनेट होगा तो उसका हम पोमोग्रेनेट खाते हैं, फिर दिस वन इज अ ऑरेंज तो ऑरेंज ट्री होगा तो उसके हम ऑरेंज खाएंगे। मेरे पास अभी टू ही फ्रूट अवेलेबल है, दिस वन इज अ पोमोग्रेनेट एंड दिस वन इज अ ऑरेंज, दिस वन इज एन ऑरेंज। तो ये दोनों हैं वो फ्रूट है, इसका हम जूस निकाल के भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे फ्रूट है लाइक बनाना है, चेरी है, ऑरेंज, पोमोग्रेनेट, एप्पल, ब्लूबेरी, कस्टर्ड एप्पल, देर आर सो मैनी एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स। हमें फ्रूट्स भी किस में से मिलते हैं? प्लांट्स में। प्लांट्स गिव अस सीरियल्स एंड पल्सेस बोथ। प्लांट्स हमें सीरियल्स भी देता है एंड पल्सेस भी देता है। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल है वो किसके हैं? पल्सेस के हैं। मैंने आपको रियल एग्जांपल दिखाया है तो आपको अच्छे से समझ में है प्लांट्स और सीरियल्स के बारे में। तो सीरियल्स क्या होते हैं? तो सीरियल्स ऐसे प्लांट होते हैं, सीरियल्स आर ग्रास लाइक प्लांट्स। ग्रास लाइक प्लांट्स होते हैं दैट प्रोड्यूस ग्रीन्स, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? अनाज प्रोड्यूस करते हैं और वो हम खाते हैं। और पल्सिस क्या होते हैं? तो पल्सिस आर द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। पल्सिस होते हैं वो किसी प्लांट्स के सीड होते हैं, लाइक ये आप किडनी बीन्स देखोगे तो ये छोटे से सीड्स लगेगी, तो पल्सिस है वो सीड्स होते हैं और उसको हम खाते हैं। सीरियल्स है वो ग्रास लाइक प्लांट्स होते हैं और उसमें से हमें क्या मिलता है? ग्रेन्स, वो हम खाते हैं। और पल्सिस क्या होते हैं? पल्सिस होते हैं वो किसी प्लांट्स के सीड होते हैं। ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है। फिर जो सीरियल्स होते हैं वो साइज़ में कैसे होते हैं? ज़्यादातर तो छोटे होते हैं। जो पल्सिस ये हमारे सामने है वो साइज़ में ज़्यादातर कैसे हो गए? बड़े हो गए। मोस्ट ऑफ पल्सिस है उसको हम कैसे खाते हैं? बॉइलिंग करके, क्योंकि ये कैसा होता है? हार्ड होता है, तो उसको हम बॉईल करते हैं तो फिर वो सॉफ्ट हो जाते हैं, आफ्टर हम उसका यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, ये है वाइट पीस, ग्रीन पीस, वाइट पीस, ग्रीन पीस, देन आफ्टर ये है किडनी बीन, फिर मूंग, देन आफ्टर ये ब्रॉड बीन कहते हैं उसको, वाल। ये दोनों पीस के एग्जांपल है। पीस आप सबने देखे हैं, अभी ग्रीन कलर के मार्केट में आ रहे हैं, विंटर है तो ये वाइट कलर के पीस है। पीस दिस वन इज अ चिक पीस, ये चिक पीस है, ये ब्रॉड बीन है, वाल ये चना ही है पर ये बड़ा वाला है जिसको हम काबुली चना कहते हैं, वो जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिक पीस। फिर दिस वन इज अ ब्रॉड बीन, उसको हम कहते हैं वाल, ये जो वाइट कलर का है ना वो, उसको हम कहते हैं वाल, बट इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? ब्रॉड बीन। फिर दिस इज मूंग, मग अब सबको पता ही है। फिर दिस वन इज अ राजमा, ये ब्लैक कलर का जो बड़ा सा है वो है राजमा, बट हम उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी बीन, क्योंकि उसका शब्द कैसा है? किडनी जैसा है, इसलिए हमारे स्टमक में जो किडनी होती है ना उसका शब्द होता है वैसा इसका शब्द है, इसलिए हम उसको किडनी बीन्स कहते हैं। फिर ये पीस, वटाना, सबको पता ही है ये ग्रीन कलर के है,
ये वाइट कलर के हैं, और दिस वन इज अ यस, ये क्या है, चना, ग्राम, डन। तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल थे, पल्सिस के। अब आपको अच्छे से याद रखना है कि पल्सिस के एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, तो ब्रॉड बीन, किडनी बीन्स, मूंग, फिर ग्राम, ग्रीन पीस, वाइट पीस, एंड दिस वन इज अ चीक पीस। नाउ दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ लेंटिल्स। लेंटिल्स का मतलब होता है दाल, ये सारे दाल के एग्जाम्पल है लेंटिल्स। तो अब हमें ये सोचना है कि लेंटिल्स किस में आएगी, पल्सिस में या फिर सीरियल्स में। तो ऑफकोर्स ये सारी लेंटिल्स होती है तो किस में आती है, पल्सिस में आती है, यस। तो हमारे पास अभी फोर टाइप्स के लेंटिल्स हैं। दिस वन इज अ यस, ये किस में से बनती है, चना में से, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, चना दाल। दिस वन, वो चना में से बनती है इसलिए हम उसको कहते हैं चना दाल। और चना दाल का इंग्लिश में क्या नेम होगा, स्प्लिट बंगाल ग्राम, स्प्लिट बंगाल ग्राम, चना दाल। फिर देन आफ्टर ये वाइट कलर की है, इसको हम क्या कहेंगे, यस उड़द दाल, ये है उड़द दाल। और ये उड़द दाल का इंग्लिश नेम क्या होगा, स्प्लिट एंड स्किन, इसको इसके ऊपर वाली स्किन निकाल ली है तो स्प्लिट एंड स्किन, ब्लैक ग्राम। उड़द दाल का नाम क्या होगा, स्प्लिट एंड स्किन, ब्लैक ग्राम। फिर देन आफ्टर हम यहाँ पे आते हैं, ये येलो कलर की लेंटिल्स है तो इसको हम क्या कहेंगे, येलो लेंटिल्स। और इसको हम हिंदी में कहते हैं मूंग दाल, ये जो मग मैं आई मीन मूंग होता है उसकी दाल होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मूंग दाल, येलो लेंटिल्स। एंड देन आफ्टर लास्ट वन, जो हम घर पे दाल चावल बनाते हैं दोपहर को खाने में, मोस्ट ऑफ गुजराती दाल चावल खाने में दोपहर को बनाते हैं, तो ये वो वाली दाल है तूर दाल। और इसको हम इंग्लिश में कहेंगे येलो स्प्लिट पिजन पीस, येलो स्प्लिट पिजन पीस दाल। तो वो हो गई तूर दाल। तो अभी हमारे पास चार दाल है, आपको हिंदी में नाम याद रह जाए तो भी बहुत अच्छा है, तूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, एंड दिस वन इज अ मूंग दाल। ये चारों किसके एग्जाम्पल है, लेंटिल्स के। और लेंटिल्स आर ऑल्सो इंक्लूडिंग पल्सिस। लेंटिल्स क्या है, पल्सिस है, पल्सिस में सब कुछ आ जाता है, लाइक सारे पीज आ जाएंगे, ये सारी लेंटिल्स आ जाएगी, ये सब कुछ, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, पल्सिस के है। तो आपको ये सारे लेंटिल्स है वो भी उसमें ही ऐड कर देने हैं, पल्सिस में, जो हमने पहले देखे ना पल्सिस के एग्जाम्पल, उसमें। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, सीरियल्स के, ये हमें प्लांट से वो सीरियल्स एंड पल्सिस दोनों देते हैं, हमने जैसे कि पल्सिस के बारे में पढ़ा। तो अब ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, सीरियल्स के। एक तो है राइस, चावल जो आप घर पे बना के खाते हो और सबको पता ही है, और दूसरा है व्हीट, गेहूँ। गेहूँ की हम क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको पीस कर अच्छे से ग्राइंड करके फिर इसमें से हम क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। अभी तो मेरे पास सिर्फ दो ही एग्जांपल अवेलेबल थे घर पे, एक तो व्हीट और राइस। तो ये दोनों किसकी एग्जांपल है, सीरियल्स के। जो सीरियल्स होते हैं उनको हम ज़्यादातर ग्राइंड करके या उसका आटा बना के, फ्लावर बना के ही खाते हैं, लाइक ये है व्हीट, तो उसको पीस कर हम उसमें से रोटी बनाते हैं। फिर
दूसरा आता है, हाँ मींदा, मल्टीपर्पज़ फ्लावर, तो वो भी सीरियल्स का एग्जांपल है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सीरियल्स को ऐसे ही खाते हैं, उसको ग्राइंड करके पीस कर फिर उसमें से कोई चीज़ें बनाकर। उसके हमें एग्जांपल बुक्स में तो तीन दिए हैं, वीट दिया है, फिर राइस दिया है, और थर्ड वन दिया है मेज़, मकई। वो मेरे घर पे अवेलेबल नहीं थी इसलिए मेरे पास नहीं है, बट मोस्ट ऑफ के घर पे होती है मकई, वो भी सीरियल्स का एग्जांपल है। दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ टी, कॉफी एंड शुगर, एंड दिस इज कॉफी, एंड वी गेट कॉफी फ्रॉम कॉफी बीन्स। कॉफी बीन्स हमें किसमें से मिलते हैं, कॉफी के प्लांट्स में से। दिस इज टी, टी हमें किसमें से मिलती है, टी प्लांट में से। एंड दिस इज शुगर, तो शुगर हमें किसमें से मिलेगी, शुगर कैन प्लांट्स में से। तो हमारे पास ये तीनों होती है घर पे, कॉफ़ी, टी एंड शुगर, और ये तीनों भी हमें किस में से मिलती है, प्लांट्स में से। नाउ पेज नंबर 97, लेट अस प्रैक्टिस। उसमें है क्वेश्चन नंबर ए, गिव टू एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबके आपको टू टू एग्जांपल्स देने हैं। फर्स्ट वन इज अ फ्रूट्स, कोई भी आपके पसंद के टू फ्रूट्स के नाम लिख लेना। सेकंड वन इज अ वेजिटेबल्स, आपके पसंद के टू वेजिटेबल्स के नाम लिख लेना। थर्ड वन इज अ सीरियल्स, आपके पसंद के आपकी चॉइस के सीरियल्स। एंड फोर्थ वन इज पल्सेस, वो भी आपकी चॉइस के, मैंने दिए हैं स्टडी नोट में। बट आपको क्या करना है, अगर आपको स्पेलिंग आते हैं और आपकी चॉइस के नाम आते हैं तो फिर आप वो लिख सकते हो। और मैंने स्टडी नोट में कौन सा आंसर दिए, तो मैंने फ्रूट्स में दिया है एप्पल एंड मैंगो, वेजिटेबल्स में पोटैटो ब्रिंजल, सीरियल्स में वीट राइस, एंड पल्सिस में पीज एंड ग्राम। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन बॉक्सेस। बॉक्सेस में आपको जो वर्ड्स दिए हैं उसका यूज करके आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। सो फर्स्ट वन है मैंगो इज अ डैश। अब ये तो हम हेल्प बॉक्स ना दिया हो तो भी पता चल जाएगा, मैंगो क्या है, फ्रूट। यस, तो आपको उसमें लिखना है फ्रूट। फिर सेकंड वन, कैरेट इज अ डैश। कैरेट क्या है, वो भी हमें पता है। कैरेट क्या है, यस वेजिटेबल, द आंसर इज वेजिटेबल, कैरेट इज अ वेजिटेबल। नाउ थर्ड वन, वी गेट, हमें मिलता है डैश, क्या मिलता है हमें, फ्रॉम सुगर कैन प्लांट्स। हमें सुगर कैन प्लांट से क्या मिलता है, तो ऑफ कोर्स हमें सुगर कैन प्लांट से क्या मिलेगा, शुगर मिलेगी, आंसर इज शुगर, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन प्लांट्स। एंड लास्ट वन, फोर्थ वन, देश आर ऑल्सो कॉल्ड फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स किसको कहते हैं, जिसका दूसरा नाम फूड ग्रेन्स भी है। तो किसका दूसरा नाम फूड ग्रेन्स है, सीरियल्स का, यस। तो हमें आंसर में क्या लिखना है, सीरियल्स, सी ई आर ई ए एल एस, सीरियल्स। डन। नाउ क्वेश्चन सी, हु एम आई, मैं कौन हूँ, आपको पहचानना है कि वो कौन है। आपको पिक्चर दिया है उस पर से आप पहचान लोगे फटाफट से। द फर्स्ट वन, द फॉक्स कुड नॉट गेट मी। फॉक्स है वो मुझ तक पहुँच नहीं पाता है। एंड कॉल मी श्योर,
और मुझे क्या कह देता है, खट्टा कह देता है। ऐसा क्या है जिस तक फोक्स पहुंचने की ट्राई करता है बट पहुंच नहीं पाता है, और क्या कह देता है कि ये तो खट्टी है। तो वो क्या है, ग्रेप्स। यस, आपको आंसर में क्या लिखना है, ग्रेप्स, GREPES, ग्रेप्स। फिर सेकंड वन, आई बिकेम सिंड्रेलास कैरेज। हमने जो फेरी वाली सिंड्रेला वाली स्टोरी देखी थी उसमें मैं सिंड्रेला का क्या बन गया था, कैरेज बन गया था। सबने देखी है, ऑलमोस्ट सबने देखी होगी। तो सिंड्रेला का कैरेज कौन बन गया था उसमें, पम्पकिन। यस, जिसमें सिंड्रेला फिर बैठ के गई थी अपने प्रिंस के पास। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, पम्पकिन, PUMPKIN, पम्पकिन। देन आफ्टर थर्ड वन, आई मेक फूड स्वीट। मैं फूड को कैसा बनाता हूँ, स्वीट बनाता हूँ, मीठा मीठा। तो ऐसा कौन बनाता है, शुगर। यस, वेरी गुड, शुगर, SUGAR, शुगर। फिर फोर्थ वन, आई एम ग्रीन। मैं ग्रीन कलर की हूँ एंड स्मॉल, छोटी सी भी हूँ। योर टंग बर्न्स, आपकी जो टंग है वो जल जाएगी इफ़ यू ईट मी, अगर आप मुझे खा लोगे। अगर आप मुझे खाओगे तो आपकी जो टंग है वो जल जाएगी। तो ऐसा क्या है, ये ग्रीन ग्रीन कलर की चिल्ली। तो आपको आंसर में लिखना है चिल्ली, CHILLY, चिल्ली। एंड नाउ लास्ट वन, फिफ्थ वन, रैबिट्स आर फोंड ऑफ मी। फोंड ऑफ मी मतलब सबसे ज्यादा पसंद होना। तो रैबिट्स को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कैरेट। यस, गाजर। तो हम आंसर में लिखेंगे कैरेट, CARROT। डन। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 98, इन क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर लिखना है। ये वाला क्वेश्चन है ना, वो आपको EVS की बुक में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेस नहीं दी है आंसर लिखने के लिए। सो फर्स्ट वन क्वेश्चन है, नेम एनी थ्री काइंड ऑफ फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे थ्री टाइप्स के फूड आइटम्स आपको यहाँ पे लिखने हैं जो हमें किस में से मिलते हैं, प्लांट्स में से। अब ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, और मैंने आंसर में ये थ्री दिए हैं। फर्स्ट वन इज अ वेजिटेबल्स, देन आफ्टर फ्रूट्स, एंड देन आफ्टर ग्रेन्स। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। फिर सेकंड वन, नेम एनी टू प्लांट पार्ट्स। किसी भी टू पार्ट्स का नाम लिखना है, किसके पार्ट्स का नाम लिखना है, प्लांट के पार्ट्स का नाम लिखना है। दैट वी ईट इज वेजिटेबल्स, जो हम एज वेजिटेबल्स खाते हैं। तो वो तो हम बहुत सारे खाते हैं, रूट्स, स्टेम। फिर दूसरा क्या क्या हो सकता है, रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, फ्लावर्स है, एंड फ्रूट। ये पांच ऐसे हैं जो हम कैसे खाते हैं, एज अ प्लांट, सॉरी, एज अ प्लांट के पार्ट्स खाते हैं। तो इसमें से आप कोई भी टू लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी क्या लिखे हैं, रूट्स एंड लीव्स। आप ये पांचों में से कोई भी टू लिख सकते हो। फिर देन आफ्टर थर्ड वन है, नेम एनी टू सीरियल्स। किसी भी टू सीरियल्स का नाम लिखो। तो हमने बहुत सारे सीरियल्स के बारे में पढ़ा है,
तो हम कौन से टू सीरियल्स के नाम लिखेंगे? यस, व्हीट, गेहूं एंड राइस। डन। ओके, अब नीचे दिया है हॉट्स। उसमें फर्स्ट वन है, जियाज मदर आस्क हर टू प्लक कॉलीफ्लावर फ्रॉम द गार्डन। जिया की मम्मा ने क्या बोला है जिया को? कि उसको कॉलीफ्लावर है, उसको लेके आना है गार्डन में से। विच प्लांट पार्ट डिड जिया प्लक? तो जिया है वो कौन सा प्लांट का पार्ट है उसको प्लक करेगी, तोड़ेगी और लेके आएगी? तो ऑफ कोर्स हमें पता है कॉलीफ्लावर को हम एज अ कौन से पार्ट खाते हैं? एज अ फ्लावर्स। यस, कॉलीफ्लावर को हम एज अ फ्लावर्स खाते हैं, एज अ फ्लावर्स के हिसाब से वेजिटेबल है वो। तो जिया कौन सा प्लांट है, प्लांट का पार्ट है वो प्लग करेगी? फ्लावर्स को। फिर सेकंड वन है, नेम द टू थिंग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ऐसी दो चीज़ों का नाम लिखना है, वो हमें किस में से मिलती है? प्लांट्स में से मिलती है। विच आर यूज टू मेक टी, जो कि आप बनाने के लिए यूज होती है, टी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए यूज होती है। तो यस, हमारे पास ऐसी टू चीज़ें हैं, एक तो है टी, वो हमें टी प्लांट्स में से मिलती है, एंड सेकंड वन इज अ शुगर, उसमें हम शुगर भी डालते हैं, तो शुगर भी हमें किस में से मिलता है? शुगर कैन प्लांट्स में से। डन। ये नीचे वाला है वो एक्टिविटी जोन है, इसमें से आपको चार नाम मिलेंगे, वो अपने आप से ढूंढने हैं और फिर नीचे लिख देने हैं। एक वेजिटेबल, एक फ्रूट, एक सीरियल एंड एक पल्सिस। और अगर चार से ज्यादा भी मिले देन यू कैन राइट ऑल्सो। ओके, सो दिस वन चैप्टर इज ओवर हियर। होप सो कि आप सबको समझ में आ गया है कि प्लांट्स में से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है और कौन से प्लांट के पार्ट्स के हिसाब से हमें सारे वेजिटेबल्स मिलते हैं, और आपके घर पे ये सारे वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सीज, फ्रूट्स सब कुछ होगा। तो आप एक बार वो सारा अच्छे से देखोगे एंड समझने की ट्राई करोगे ये वाला चैप्टर। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।